अंबेडकर नगर से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी समाजवादी पार्टी के नेता लालजी वर्मा ने हजारों समर्थकों के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचकर किया नामांकन। लालजी वर्मा ने भाजपा सरकार को बताया कि भाजपा तानाशाही का काम कर रही है और भाजपा सरकार लोकतंत्र की हत्या करने का प्रयास कर रही है। 400 पार के जवाब में बीते बंगाल का चुनाव परिणाम देखना चाहिए भाजपा को। लालजी वर्मा ने कहा कि अंबेडकर नगर में मेरा चुनाव जनता लड़ रही है। से दिल्ली पुलिस आई थी एक नोटिस सर्व कराने के लिए। उनकी मंशा थी कि हम नामांकन न करने पाएं, इसलिए फर्जी केस बनाकर बहुत ही जल्दबाजी में 28 तारीख को केस दर्ज करके और 29 तारीख को पुलिस 11:30 बजे हमारे घर पहुंच गई। रात में 11:30 बजे हमारे घर पहुंच गई, जो इस बात को साबित करता है कि भारतीय जनता पार्टी विपक्षी नेताओं को डराकर धमकाकर और जिस तरह से सूरत में उन्होंने किया है उसी तरह का आचरण करना चाहते हैं। लेकिन अंबेडकर नगर की आम जनता संघर्ष करने वाली जनता है और हम सब लोग भी जो आज समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं किसी भी संघर्ष से डरने वाले नहीं हैं। कितना भी मुकदमा वो कर ले, आम जनता के साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी के कुशासन को मिटाने के लिए काम करेंगे। मैं वोटर हूँ, किसान हूँ, बेरोजगार नौजवान हूँ, रुकता नहीं, झुकता नहीं, बिकता नहीं। मैं ही तो हिंदुस्तान हूँ, मैं ही तो हिंदुस्तान हूँ। चाले चल के शहरों के नाम बदल के नोटों को कचरा कहेंगे और हर निर्धन को चलते कहते हो हमको चुन लो, अब तुम भी हमारी सुन लो, धोखा नहीं खाएंगे। सरकार अब ऐसी आए जो सबको दे दे जाए, न्याय हो, उन्नति हो, न्याय हो, प्रगति हो, न्याय, किसान पाए, हर नौजवान पाए, रोजगार लाए, मिटा दे नफरत, प्यार लाए, अन्याय मिटाने के लिए उठा मैं एक तूफान हूँ। मैं ही तो हिंदुस्तान हूँ, अब होगा न्याय। मैं ही तो हिंदुस्तान हूँ, अब होगा न्याय।